हेलो फ्रेंड्स, आंसिस एकेडमी के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के प्रतियोगिता के दौर में फैक्ट के महत्व को देखते हुए हम फैक्टो सीरीज अपने चैनल पर चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको हर सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण फैक्ट चैनल पर कराए जा रहे हैं। चैनल पर फैक्टो नाम से सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ पर जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए, आज के वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी अपडेट आपको तुरंत ही मिल जाए। देखते हैं पहला फैक्ट क्या है आज के वीडियो का। तो आज हम देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में कुछ प्रसिद्ध कथन। तो जो ये एक्ट है, गांधी जी ने इस एक्ट को कहा है कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, रैमजे मैकडोनाल्ड ने ये सुधार, प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है, ऐसा इस एक्ट के बारे में रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अधिनियम क्या है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसका अन्य नाम है आपका मॉन्टेगू जेम्स पोर्ट सुधार। इसके अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण काम हुआ था, तो प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ। इसमें और क्या महत्वपूर्ण बातें हुई, तो पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं, जो आपके प्रांतीय विषय थे वो आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में विभाजित हो गए। नेक्स्ट फैक्ट है, अधिनियम का आधार जो है वो मॉन्टेगू जेम्स पोर्ट की रिपोर्ट पर था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है फैक्ट, नेक्स्ट फैक्ट है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। प्रावधान जो है इसका गठन हुआ है संघीय लोक सेवा आयोग। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई है। द्वैत शासन प्रांतों से समाप्त, केंद्र में लागू, यानी द्वैत शासन जो है वो प्रांतों से समाप्त और केंद्र में लागू, स्वायत्तता जो है वो प्रांतों को था। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ है इसमें, स्वशासन जो है वो प्रांतों को था और दोहरा शासन के स्थान पर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रावधान, गवर्नर जो है वो अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया। विस्तार जो है वो सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का। आधार स्रोत जो है वो भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का काफ़ी हद तक। नेक्स्ट है द्विसदनीय, तो केंद्रीय विधानमंडल, द्विसदनीय व्यवस्था यानी केंद्रीय विधानमंडल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं प्रांतों में हो गया। स्थापना जो है वो फेडरल न्यायालय 1937 में जवाहरलाल नेहरू का कथन सॉरी स्थापना जो है वो फेडरल न्यायालय की हुई 1937 में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जवाहरलाल नेहरू का कथन, इसको क्या क्या कहा गया है, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, गुलामी का अधिकार, दासता का आज्ञा पत्र, अनुदेश प्रपत्र अंतर्विष्ट जो है वो राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में संविष्ट था और आपका ये है भारत के संविधान में वर्ष 1950 में, ठीक है। मेन पॉइंट नोट देखते हैं, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्वीकृत हो गया था, ठीक है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो अस्वीकृत हो गया था। आज के नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1947, अविभाजित भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हो गई। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो गई।
दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्माता सभा को संविधान बनाने का अधिकार मिल गया। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता मिल गई और भारत का राज्य सचिव पद जो है राज्य सचिव पद समाप्त हो गया। तो आज की वीडियो में ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित थे। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।